नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, अगर आपको मोर का चित्र बनाना नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। आज हम आपको दुनिया का सबसे आसान तरीके से 5 नंबर की हेल्प से मोर का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बस आप जल्दी से मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। आपको एक बड़ा सा 5 नंबर लिखना होगा, बट इसको लेटा के लिखना है। इधर से ऐसे करेंगे, ये वाला पोर्शन आप यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा, बड़ा सा 5 नंबर लिखेंगे। 5 नंबर लिखने के बाद आगे के सिरे से यहाँ से ऐसे बढ़ाइएगा और इधर हम इसको अंदर के साइड में कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर लिखना है, इधर से ऐसे घुमा देना होगा। घुमाने के बाद यहाँ पर आप ऐसे छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करके छोटे छोटे पॉइंट लगा दीजिए। अब दोस्तों, इस 5 नंबर को हमें यहाँ पर ऊपर वाले सिरे को डबल करना होगा। इधर से ऐसे डबल कर दीजिए और इधर आगे के ही साइड में एक वी लेटर लिखेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दीजिएगा, तो पिकॉक का आई बन के तैयार हो जाएगा। आई बनाने के बाद दोस्तों, आपसे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है। अगर आपको पता है हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वाला पोर्शन आप यहाँ से ऐसे आर्क लगाते हुए इधर ऐसे बढ़ा देंगे, हल्की सी लाइन और बढ़ाइएगा, अंदर बाहर करेंगे, यहाँ पर ऐसे मिला दीजिए। अब दोस्तों, मिलाने के बाद नीचे के सिरे से ऐसे डबल करिएगा, इधर भी आप ऐसे लाकर मिला दीजिए और यहाँ से इसको नीचे की तरफ करेंगे। ये वाला भी पोर्शन आप नीचे की तरफ बढ़ाते हुए यूँ मिलाइएगा। इसी के नीचे ही आपको एक 4 नंबर लिख देना है, यहाँ से ऐसे मिला देना है, इसको मिला दीजिए और इधर दोस्तों डबल लाइन ड्रॉ करिएगा। इस साइड भी आप डबल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, आगे की तरफ ऐसे छोटी छोटी लाइन, इधर ऐसे डबल करेंगे, यहाँ पर कर दीजिए। सेम दोस्तों, आप इधर भी रिपीट कर दीजिएगा। रिपीट करने के बाद आपको इधर ऐसे ओवल शेप बनाकर नीचे वाले सिरे पर छोटे छोटे आर्क लगा देना होगा, तो ये मोर का पंख भी बनके तैयार हो जाएगा। पंख बनाने के बाद इधर छोटे छोटे आर्क यहाँ पर भी आप लगा देंगे। तो गाइज, ये हमारा बहुत ही आसानी से 5 नंबर की हेल्प से दुनिया का सबसे आसान तरीके से मोर का चित्र बनके तैयार हो गया है। तो चलिए, अब हम इसको कलर भी करना सीख लेते हैं।